नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते एंड वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग फ्रॉम रोविंग फैमिली। संडे का दिन है और आज हम लोग हैं माउंट आबू में। सुबह के करीब 11 बजे हैं माउंट आबू। हम लोग कल रात को राजकोट से ड्राइव करके पहुंचे हैं। वो रोड ट्रिप हमने लास्ट ब्लॉग में दिखाया था। अब इस ब्लॉग में हम लोग आपको अपना माउंट आबू का जो भी टूर रहता है वो दिखाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने स्टे से। हम लोग रुके हैं होटल ममता पैलेस करके पोलो ग्राउंड के पास, उसमें। और बाहर में कुछ देखिए ऐसा नज़ारा है, ऊंचे ऊंचे उधर पहाड़ दिख रहे हैं। तो जी आइए, अब आपको मैं रूम दिखा देता हूँ। तो ये है डिलक्स रूम, एसी, विंडो एसी लगा हुआ है। होटल थोड़ा पुराना है, बाकी एक डबल बेड है, एक्स्ट्रा मैट्रेस मिल जाएगा और रूम का साइज ठीक ठाक है, डिसेंट है। नहीं जी, तो होटल का नाम है ममता पैलेस और ये जो रूम है ये डिलक्स एसी रूम है और इसका हमने पे किया है 2000 रुपीज़। और ये ऑफलाइन बुकिंग है, मैंने कल फ़ोन पर कॉल करके ये बुक किया। ऑनलाइन भी ये रूम अभी 2500 के आसपास शो कर रहा है। संडे है तो रेट कम है, अगर आप फ्राइडे या सैटरडे को आएंगे तो यही रूम 3500 से 4000 का पड़ेगा और मे भी अगर मंडे के बाद आए तो 2000 से भी कम का पड़े। बाहर से देखिए कुछ ऐसा दिखता है, काफ़ी सारी सीढ़ियाँ रिसेप्शन के लिए। रिसेप्शन के ऊपर जो टॉवल दिख रहा है उधर ही अपना रूम है और थोड़ा पुराना होटल है। ये पार्ट शायद रिलेटिवली नया है जो ऊपर में दिख रहा है, बट हमें पुराने वाले पार्ट में रूम मिला है। तो नहा धोकर अपन रेडी हैं, सुबह के 11:30 बज रहे हैं और यहाँ से अपना माउंट आबू का टूर स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम लोग जाएंगे गुरु शिखर पॉइंट, वो यहाँ से अच्छा खासा दूर है, आई थिंक 12-14 किलोमीटर दूर है, तो सबसे पहले उसको कवर कर लेते हैं। तो ये है जी यहाँ का पोलो ग्राउंड। पोलो ग्राउंड के बगल में ही नक्की लेक है। ये मेन मार्केट माउंट आबू का। आज चूँकि संडे है थोड़ा बहुत ट्रैफिक है और बाकी दिन सैटरडे वगैरह को तो और ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा। आज ही तो हम लोग शहर से बाहर निकल गए, शहर में हल्का फुल्का ट्रैफिक मिला और अब इन घुमावदार सड़कों का आनंद लेते हुए बढ़ रहे हैं गुरु शिखर की तरफ। आई थिंक 10 या 11 किलोमीटर और है। पहाड़ हैं तो भाई रास्ता ऊपर नीचे होगा ही, कभी नीचे उतरना है कभी ऊपर चढ़ना है। छोटी छोटी राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी, कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। लंबी लंबी दूरी भी यही चल। अभी अभी हम लोगों ने ब्रह्म कुमारी पीस पार्क था उसको क्रॉस किया। अब अपन गुरु शिखर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लग रहा है इन्हीं पहाड़ों में हमें ऊपर जाना है। हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा। तो तीखे तीखे घुमावदार मोड़ पर ड्राइव करते हुए हम लोग धीरे धीरे ऊंचाई पर जा रहे हैं। कितना मस्त प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से, नज़ारे अच्छे दिखे तो अपन रुक गए कि थोड़ा भाई व्यूज़ एंजॉय करे, आदमी घूमने फिरने ही तो आया है। तो आपको भी नज़ारे दिखाते हैं। ये देखिए भैया उधर पूरे ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, नीचे वो सड़क दिख रही होगी, इधर भी पहाड़ है, उधर एक छोटी सी नदी है या तालाब है जो भी है और उधर लोग बहुत ज़्यादा जमा है। तो कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह लेकर के अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ जो है खड़ी हैं, जरूर कोई व्यू पॉइंट होगा। मंजिलों से भी ज्यादा है प्यारे सफर के ये रास्ते। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जाके इस दिल की ख्वाहिशें यूं गुनगुनाएंगे। जी हम लोग पहुंच गए गुरु शिखर और यहाँ बगल में पार्किंग थी, गाड़ी लगा दी और पार्किंग का चार्ज है भाई साहब 100 रुपये तो पार्किंग का चार्ज है। आगे कहीं गुरु शिखर मंदिर है, अपन उधर ही जा रहे हैं, थोड़ा घूम फिर करके आते हैं। तो ये जी मंदिर जाने वाली सीढ़ियाँ हैं,
लवी करेगी 400 स्टेप कौन चढ़ेगा, चढ़ेगी नहीं मूड है क्या करना है जी, ऊपर जाना है? नहीं नहीं ऊपर नहीं जाना है ना। अरे यहाँ बहुत महंगा देगा, लूट मचा रखा होगा। ठा के पता चला कि 300-400 स्टेप चढ़ के ऊपर जाना है तो बच्चों ने तो मना कर दिया। तो अपन इधर जो है ना वो बस व्यूज इंजॉय कर रहे हैं और हल्की हल्की ठंड हवा चल रही है, मजा आ रहा है। मतलब टेम्परेचर 27-28 है, गर्मी नहीं लग रही है, बस यही प्लस पॉइंट है यहाँ पे। बाकी व्यूज जो है ना वो तो बहुत ऑसम है। यहाँ क्या है ना पूरा लूट मचा रखे हैं, खूब सारे गाइड हैं मंदिर जाने के लिए, कोई ट्रैकिंग वगैरह भी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि उधर कहीं ऑब्जर्वेटरी है, एयरफोर्स के रडार हैं जो बॉर्डर वगैरह जो है वो दिखाते हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। कुल मिला करके आपको पैसा उड़ाना है तो भैया उड़ाइए, लेकिन अपन जो है यहाँ से अब निकल रहे हैं। नीचे रास्ते में ना खूब अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं, तो उधर अपन फोटो शूट करेंगे, उधर कहीं रुकेंगे। तो जी गुरु शिखर से हम लोग निकल गए। कुल मिला के क्या है ना कि नज़ारे बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ तक कि ड्राइव जो है ना वो मज़ेदार है, उस ड्राइव को एंजॉय करने आइए। झूठ मूठ का पार्किंग में जाके 100 रुपए लग रहा है, चढ़ावा देकर अपन आ गए। एनीवे अब हम लोग वापस से जा रहे हैं माउंट आबू की तरफ और ये सीनिक ड्राइव जो है वो एंजॉय करेंगे। हाँ जी, तो अब हम लोग उतर रहे हैं ऊपर से नीचे, यहाँ के नजारे हमें खींचे। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जाके इस दिल की ख्वाहिशें यूं गुनगुनाएंगी, कहीं छाओ छाओ कहीं धूप सताएगी। चलते कम होती जाएगी, कभी छाओ छाओ कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। और वो सामने जो लोगों की भीड़ दिख रही है ना वही है एक इम्पोर्टेंट व्यू पॉइंट, वहाँ शूटिंग पॉइंट करके बोर्ड लगा हुआ है, गाड़ियों का रेला लगा हुआ है, अपन भी उधर ही जाके खड़े हो जाते हैं। तो आगे में एक शूटिंग पॉइंट है और अभी वहाँ हम जा रहे हैं। तो जी इस पॉइंट का नाम इसीलिए शूटिंग पॉइंट है क्योंकि लोग यहाँ सिर्फ फोटो शूट करने आते हैं, कुछ और नहीं शूट करने आते हैं। उधर एक छोटा सा तालाब भी है नीचे, माउंट आबू कहीं उधर बसा हुआ होगा। अभी पहाड़ों से उतर के अपन जाएंगे उधर। बाकी बाबू जो है वो डर नहीं रहा है, वो भी इधर उधर मस्ती कर रहा है। इधर एक चबूतरा टाइप का बना हुआ है स्पेशली फोटो लेने के लिए, जिसपे बहुत भीड़ लगी हुई है। देखते हैं अपना नंबर आता है कि नहीं। शूटिंग पॉइंट पे हम लोग ढेर सारा फोटो ले लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। धूप में भी इतना पसीना का एहसास नहीं हो रहा है, पसीना तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो नज़ारे एंजॉय करते हुए दोपहर के करीब बज गए हैं 1:05, अब हल्की हल्की भूख लग रही है, लेकिन अभी हम लोग डेलवारा टेम्पल भी जाने का प्लान कर रखे हैं। क्या जी जाना है? बिल्कुल, मेरा तो बचपन का सपना था, वो 6th class में मैंने हिंदी के बुक में डेलवारा टेम्पल्स के बारे में पढ़ा था, तो मेरा तब से सपना था कि कभी मैं देलवाड़ा टेम्पल देखूंगी। तो चूंकि मैडम की भाई डिमांड है तो जाना ही पड़ेगा। तो जी आज का हमारा दूसरा या तीसरा डेस्टिनेशन कह लीजिए वो है डेलवारा टेम्पल। हम लोग यहाँ आ गए हैं, गाड़ी पीछे सड़क के किनारे ही पार्क कर दी है। तो ये है जी डेलवारा टेम्पल, यहाँ से एंट्री है। जैसा कि हर तीर्थ स्थान पे होता है, पहले आपको कुछ दुकानें मिल जाएंगी खाने पीने की, शॉपिंग की,
मैगी यहाँ हर जगह मिल रहा है। यहाँ पर अंदर मोबाइल कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, तो मैं वेट कर रहा हूँ, वीना जा रही है दर्शन करके आएगी। तो जी हम लोग दर्शन करके आ गए टेम्पल, कैसा लगा जी? बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली और इतनी सुंदर कार्विंग थी ना, एक एक पैनल पर इतने सारे मूर्तियाँ बनी हुई थी कि आपको देख के आश्चर्य होगा कि 1031 में बना हुआ है ये टेम्पल। हाँ, ये कितना टाइम पैसा लगा था? 18 करोड़ 53 लाख उस समय जमाने में 1031 में। क्यों, बहुत बड़ा है क्या? ज्यादा तो नहीं है, लेकिन ये ना हर पैनल पे कार्विंग है इसके वजह से। हाँ, और सब बहुत इंट्रिकेट है और पूरा मार्बल से बना हुआ है। हाँ। तो जी डेलवारा टेम्पल से विजिट करके हम लोग निकल गए, दोपहर के 2 बज गए हैं, सबको भूख लगी है। लवी, काठियावाड़ी खाना है कि नहीं? नहीं, मौसम तो क्या ठंडा तो नहीं, लेकिन ठीक है, 29-30 डिग्री सेल्सियस है। पता नहीं, हम लोग यही इधर उधर रैंडमली भटक रहे हैं, होटल की तरफ ही जा रहे हैं, गूगल लगा दिया है मैप। तो जी हम लोग लंच करने के लिए अपने होटल ही आ गए, इधर उधर भटकने से लगा कि अच्छा यही है। पनीर का ये क्या आइटम बनाया था जी? पनीर कढ़ाई, पनीर हांडी, और ये एक मिक्स वेज है। मेरा मन तो काठियावाड़ी खाने का था, बट लवी का मन नहीं था, तो आज चलो ये भी सही है। शाम के करीब 6 बजे हैं और हम लोग 2-3 घंटे करीब सो गए थे, सो करके अब उठे हैं, तो अब निकल रहे हैं फिर कहीं और घूमने। तो अपने पास 2-3 पॉइंट्स हैं, एक तो सनसेट पॉइंट है, वहाँ जा सकते हैं, एक हनीमून पॉइंट है और एक नक्की लेक बचा हुआ है, तो नक्की लेक तो पक्का जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि पहले हनीमून पॉइंट चलते हैं और उधर से घूम के आते हैं, फिर नक्की लेक चलेंगे। तो जी हनीमून पॉइंट जो है ना, पता चला गाड़ी तो जाती नहीं है, उसकी जगह इस तरह के ठेले जाते हैं, इसी में जाना पड़ेगा। तो जी ये भी यूनिक एक्सपीरियंस है, इतने से छोटे से ठेला कह लो या पता नहीं कार्ट कह लो क्या है, ये हम लोग पहली बार ऐसी सवारी कर रहे हैं। हाँ, और क्या किया जाए, है भी तो ऐसी जगह। हाँ। कि वहाँ पे कह रहे हैं कि गाड़ियाँ अलाउ ही नहीं करते हैं सड़क पे। अरे यार, ये तो देर हो गई। ठीक ठाक पानी है, माउंट आबू को नैनीताल बना रखा है, लेक भी है, पहाड़ भी है, बहुत कम लोग लग रहा है इस राइड को ले रहे हैं, पैदल चले गए हैं बहुत लोग। और इधर ऊंचे ऊंचे पहाड़, नीचे पानी, थोड़ा थोड़ा नैनीताल वाला वायुस आ रहा है। पहुंच गए जी हम लोग हनीमून पॉइंट, मेनली लोग यहाँ सनसेट देखने आते हैं, बट बादल छा गए हैं, अब देखते हैं सनसेट देखने को मिलता भी है कि नहीं, बट व्यूज बहुत अच्छे हैं यहाँ से। क्या मतलब माइंड ब्लोइंग व्यू है भाई, यहाँ भीड़ लगी हुई है। अच्छी चीज़ यहाँ पर यह है कि यहाँ कोई आने का चार्ज वार्ज नहीं है, अदरवाइज जो सनसेट पॉइंट है वहाँ तो करीब आई थिंक 140-150 रुपये चार्ज है सिर्फ सनसेट पॉइंट तक पहुँचने का। लेकिन मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है। नहीं, अब दिक्कत यह है कि जो 1.5-2 किलोमीटर अपन आ गए उस ठेला गाड़ी में बैठ करके, पीछे जाना भी पड़ेगा। तो जी हम लोगों का फोटो सेशन वगैरह हो गया, अब अपन यहाँ से निकलते हैं। उधर देखो सनसेट ऑलमोस्ट हो ही चुका है क्या, तो अपन इधर से पैदल ही निकल गए, इवनिंग वॉक हो जाएगी और रास्ते में फिर वो झील आएगा ना, तो झील के पास अपन थोड़ी देर बैठेंगे, मज़ा आएगा उधर भी। तो जी माउंट आबू के हिस्ट्री के बारे में अब वीना जी थोड़ा ज्ञान देंगी, बताइए वीना जी। जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो माउंट आबू सिरोही प्रोविंस में आता था, आबू सिरोही प्रोविंस में। तो उस वक्त क्या हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल माउंट आबू को बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंडर में उन्होंने ले लिया। उस समय गुजरात नहीं बना था, उस वक्त गुजरात नहीं बना था। आजादी के बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी और राजस्थान दो स्टेट बने थे। चूंकि इस क्षेत्र के ज्यादातर लोग गुजराती बोलते थे, तो इसको शायद पटेल ने उस बॉम्बे प्रेसिडेंसी में डाल दिया था। हाँ। लेकिन यहाँ के लोगों को राजस्थान में रहना था, तो यहाँ पर विद्रोह शुरू हो गया। पटेल की जब डेथ हो गई, पटेल आजादी के
मतलब दो चार साल बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। तो फिर बहुत ज़्यादा विद्रोह होना शुरू हो गया, तो फिर पंडित नेहरू ने इसको आबू को राजस्थान को वापस कर दिया। पहले पूरा सर्वे कराया था उन्होंने, हाँ। और पता चला कि लोग काफ़ी इस बात के खिलाफ हैं। पटेल के जाने के बाद नेहरू जी ने सर्वे कराया और यहाँ के जनमानस की भावनाओं का ख्याल रखते हुए माउंट आबू को या आबू पर्वत की इस पूरे एरिया को राजस्थान को दे दिया। और फिर उसके बाद ये हुआ 1959 में ना शायद, और फिर 1960 में जाके गुजरात बॉम्बे से अलग होके और अलग स्टेट बना, लेकिन तब तक लेट हो चुका था और राजस्थान को दिया जा चुका था माउंट आबू। तो गुजरातियों को इस बात के लिए जवाहरलाल नेहरू को थैंक यू बोलना चाहिए कि माउंट आबू गुजरात में नहीं है, नहीं तो अगर होता ना तो ये जो आके यहाँ पर पी रहे हैं, घूम रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, कुछ नहीं होता। हाँ। तो गुजरातियों की तरफ से तो भाई नेहरू जी को तो बहुत बड़ा बड़ा थैंक यू होना चाहिए। हनीमून पॉइंट से लौटते लौटते हम लोग लेक के पास आकर के विश्राम करने लगे। क्या सुंदर नज़ारा है माउंट आबू का, देखिए भाई, नक्की झील के किनारे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इधर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, उधर एक बड़ा सा रिजॉर्ट दिख रहा है, उधर ढेर सारी दुकानें और मार्केट है, उधर एक फव्वारा चल रहा है, मतलब मस्त वाइब है भाई साहब, मज़ा आ गया शाम को। तो शाम के करीब 7 बजे हैं और अब हम लोग हनीमून पॉइंट के बाहर से गाड़ी पिकअप करके वापस सिटी के अंदर जा रहे हैं। हनीमून पॉइंट। अब क्या है ना कि बूंदा बूंदी बारिश भी होने लगी है, तो ज्यादा इधर उधर घूम भी नहीं सकते हैं, तो कहीं कुछ खाया पिया जाए और दिन को समाप्त किया जाए। 7:30 और हम लोग आ गए हैं जी मेन मार्केट में, थोड़े मार्केट के नज़ारे आपको दिखाते हैं। तो भैया दुनिया भर की दुकानें हैं यहाँ पे, चॉकलेट रूम, डोमिनोज, अरे उधर काठियावाड़ी भी है जी। मेरे को लगता है कि सैटरडे को और ज़्यादा क्राउड रहता होगा, संडे इवनिंग है, होटल्स थोड़े खाली हैं, भीड़ भी थोड़ी कम है। कि हम लोग निकले तो थे घूमने, बट होने लगी फिर से बारिश, और बारिश से बचने के लिए अपन घुस गए मार्केट में, और अब डिस्कशन चल रहा है कि क्या किया जाए, बाहर खाना है कि रूम पे ही ऑर्डर करके खा लिया जाए, हैं क्या कहती हूँ जी? बाहर खाना है। तो जी हम लोग मार्केट में आ गए मोमो खाने के लिए। बाकी आसपास की जो दुकानें हैं ना, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, महंगा है, सब कुछ महंगा है। गुजराती लोग आके बहुत पैसा उड़ाते हैं इधर में। वाइन भी कोई भी MRP पे नहीं बेच रहा है, इक्का दुक्का दुकानें हैं, नहीं तो सब लूट मचा रखे हैं। हाँ जी, तो रात के करीब 8:30 हो गए हैं और हम लोग घूम फिर कर थक गए, हल्का फुल्का खाना हो गया, बाकी जो भी खाना पीना है रूम में कर लिया जाएगा। ओवरऑल बहुत मजा आया। हाँ, जो गुरु शिखर गए वहाँ भी हमने बहुत एंजॉय किया, और ये जो फिर अभी हनीमून पॉइंट गए थे, ये भी गजब था, मतलब मजा आ गया देख के। थक गए लेकिन मजा तो आया, मतलब है माउंट आबू आने लायक जगह है एक बार के लिए, और इसको कह सकते हैं कि ये गुजरात और राजस्थान का एक छोटा सा नैनीताल है। नैनीताल, पहाड़ भी है, लेक भी है, मौसम भी ठंडा है, ठीक है। नैनीताल और हिमाचल नहीं जा सकते तो यहीं आ जाओ, कम से कम नजदीक है। तो ये ट्रिप बड़ी अच्छी रही हम लोगों की। अब कल सुबह हम लोग होटल से चेकआउट करके निकलेंगे राजकोट, तो वो रोड ट्रिप अब जो है अब आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखना। तो जी इस ब्लॉग को अब यहीं एंड किया जाए और फिर मिलते हैं जल्द ही अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। नया सा है, हर मोड़ पे कुछ नया सा है।